तो कैसे हैं सिक्सर के चाहने वाले, विकेट के मतवाले, क्रिकेट के दीवाने? उम्मीद है कि ना आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 मैच संभा 13। अगर हम इस मैच की बात करें तो यूपी वॉरियर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में खेला जाएगा। यूपी वॉरियर्स की बात करें तो एक मैच जीत रहा है, एक मैच हार रहा है, एक मैच जीत रहा है, एक मैच हार रहा है। तो ये कह रहे हैं हम तो कभी खुशी कभी गम वाले। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन्स की बात करें तो 5 मैच खेला और 5 के 5 मैच हार गए, जीत का खाता ना खुला। तो स्मृति मंधना सोच रही होंगी जैसे हमारे आरसीबी मेंस वाले करते थे वैसे हम वुमेन्स भी कर रहे हैं और आरसीबी को निराश कर रहे हैं। यार मतलब इतनी अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप होने के बाद भी अभी तक हमारा खाता ना खुला। हम जहां जाते हैं, जिसके सामने जाते हैं, वो आता है हमें पीट पाट के चला जाता है। जैसे यूपी वॉरियर्स के सामने इन्होंने 1 मैच खेला, किसने? आरसीबी वुमेन्स ने, और यूपी वॉरियर्स ने इनको 10 विकेट से एक तरफा ऐसा पीटा ना कि आरसीबी के होश उड़ गए। इन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब ये तो इतनी बेइज्जती के साथ हराएगा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। यार 10 विकेट से इनको हार थमा दी गई, किसको? आरसीबी वुमेन्स को। तो यूपी वॉरियर्स बोले कि चलो हम 1 जीत रहे थे 1 हार रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, आरसीबी वुमेन्स तो हमने मैच जीता है, तो ऐसा करते हैं ना फिर से आरसीबी वुमेन्स को मैच हराते हैं और करते हैं मैदान पते। वहीं दोस्तों आरसीबी वुमेन्स बोले कि ना जी ना, ऐसे हारते रहेंगे ना तो फैन फॉलोइंग्स नहीं बढ़ेगी और जो थोड़े बहुत फैंस हैं वो भी भाग जाएंगे। तो ऐसा करना है, पलटवार करना है, पिछली हार का बदला लेना और बनना है असली हीरो और दिखाना है कि हम अभी भी तैयार हैं। हो गया जो होना था हो गया, लेकिन अभी भी हमारे अंदर दम है, अभी भी हम मैचेस जीत सकते हैं। तो भाई लोग कौन सी टीम करेगी अपने नाम वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का मैच नंबर 13? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। बस करना क्या, आपको पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देखनी है। तो चलो फिर जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूं। तो ऐसा करो आप भी ना जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, मैं आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। सोचो अपने भाई का सपोर्ट अगर आप ना करेंगे तो कोई बाहर से आएगा भाई का सपोर्ट करने के लिए? ना जी ना, कोई भी ना आएगा। और करना क्या भाई साहब, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो अपने भाई के लिए कर सकते हैं ना। और हाँ, अगर आपको सभी मैचों में फायदे में रहना है फायदे में, तो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया वो तो काफी फायदे में, काफी मजे में है। अगर आपको भी सभी मैचों में रहना है फायदे में तो ज्वाइन कर डालो मेरा टेलीग्राम। बस एक ही चीज का ध्यान देना है, फेक से बचना, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिया गया, इसलिए इधर उधर और कैसे मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग ये जो मैच है ना वेडनेसडे 15 मार्च इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट अकेडमी नवी मुंबई में। यहां के मैदान पे अभी तक जो प्रीमियर लीग चल रहे हैं इसके 6 मैच खेले गए, 6 मैच में से 2 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंड और 4 मैच में क्या हुआ टारगेट चेज। मतलब के मैदान पे ज्यादा मैचों में क्या हो रहा है टारगेट चेंज होने, क्यों हो रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एवरेज स्कोर की बात करें फर्स्ट इनिंग का 174, 174 रन, टारगेट चेज की बात करें 166, 166 के नीचे स्कोर होगा तो आप समझ जाना 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 182, 182 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 166 से 182 के बीच में स्कोर होगा आप समझ जाना अभी जो मामला है ना ये बराबरी का आ गया, चेंज भी हो सकता और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ का जो सरफेस है ना वो ड्राई है, जिसकी वजह से होता है कि जो स्पिनर्स गेंदबाज है जब बॉल पुराना हो जाता है, जब पिच यूज हो जाता है, मतलब जब तक पिच नया रहता है फ्रेश रहता है बॉल नया रहता है, जो बॉल होता है ना बैट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है जब बॉल पुराना होता है जब पिच यूज हो जाता है तो बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि तब जो बॉल होता है ना थोड़ा सा रुक कर बैट पे आता है तो जो स्पिनर्स गेंदबाज है उनको हेल्प करने लगता है। अगर हम यहाँ की बाउंड्री लेंथ की बात करें तो मीडियम है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी है ना बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए जो स्पिनर्स गेंदबाज है उनको रन तो पड़ते हैं लेकिन इसके साथ साथ वो विकेट भी निकाल के लेकर जाते हैं। अगर हम आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 38 से 43 के बीच में देखने को मिल सकता है, 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 165 से 180 के बीच में देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहाँ के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो यूपी वॉरियर्स ने 2 मैच खेला और 1 मैच जीता और 1 मैच हार गया। आरसीबी वुमेन्स की बात करें तो 1 मैच खेला और हार गया, तो आरसीबी वुमेन्स कर रही है नवी मुंबई तुम्हें क्या दोष दें, हम तो जहां जा रहे हैं वहीं मैच हार रहे हैं। आरसीबी वुमेन्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स की बात करें तो यहां के मैदान पे ये दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होगी, देखने वाली बात होगी जब पहली बार आमने सामने होंगे तो कौन सी टीम करेगी मैदान फतेह। चलो एनालिसिस करते और सारी चीज़ें जान लेते। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे यूपी वॉरियर्स की।
तो भाई लोग जो यूपी वॉरियर्स की टीम है, जो इनकी कप्तान है एलिजा हेली, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करे, सभी मैचों में आती है, वन वुमेन्स आर्मी की तरह खेलती, मतलब कहती कोई चले या ना चले लेकिन मैं चलूंगी, अपनी टीम को आगे लेके जाऊंगी। हाँ, तहलिया मैकग्रैथ अच्छे तरीके से फिनिश कर रही है, जब जब उनको फिनिश करने का मौका मिलता अच्छे से फिनिश करती है। लेकिन बाकी के बल्लेबाजों की बात करें, देविका वैद्या की बात करें, श्वेता सहरावत की बात कर लें, या किरण नौगिरे की बात कर लें, मतलब ये ना एक मैच में चलती तो एक मैच में फ्लॉप हो जाती है, एक मैच में चलती है फिर एक मैच में फ्लॉप हो जाती, तभी मतलब एक मैच जीत रही है एक मैच हार रही है। तो अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें, एलिजा हेली और तहलिया मैकग्रैथ सभी मैचों में लगातार बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है, बाकी की जो बैटर है वो किसी मैच में चलती है किसी मैच में नहीं चलती। बाकी अगर हम यहाँ पे इनकी गेंदबाजी की बात करें, सोफी स्केल्टन की बात करें, लगातार सभी मैचों में किफायती रहती है और विकेट भी निकालती रहती है। कौन? सोफी स्केल्टन। और इनका साथ देती है दीप्ति शर्मा की बात करते हैं, ये कमाल की मतलब ऑलराउंडर है, हालांकि बल्लेबाजी में उतना जलवा ना दिखा लेकिन गेंदबाजी में काफी ज्यादा किफायती रहती है, ज्यादा विकेट भी ना मिले लेकिन एक आता दो विकेट निकाल लेती है और सोफी स्केल्टन का काफी ज्यादा अच्छे से साथ देती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बाकी के गेंदबाजों की बात करें, जैसे कि राजेश्री गायकवाड़ की, तो राजेश्री गायकवाड़ थोड़ी सी फीकी फीकी नजर आई, मतलब किसी मैच में बढ़िया गेंदबाजी कर रही है किसी मैच में बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। अंजनी सरवानी की बात करते, इनकी भी वही कहानी है, किसी मैच में बढ़िया गेंदबाजी कर रही है किसी मैच में बढ़िया गेंदबाजी ना कर पा रही है। बाकी अगर हम यहाँ पे पिछले मैच में सबनीम इस्माइल की बात करें, मौका मिला बढ़िया गेंदबाजी करी थी, जबरदस्त या खतरनाक तो नहीं कर सकते लेकिन बढ़िया गेंदबाजी करी थी। तो अगर हम यहाँ पे गेंदबाजी की बात करें तो ये भी आधी अधूरी कहानी थी, क्योंकि दो तीन गेंदबाज बढ़िया कर रही है और दो तीन गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पा रही है। तो जो यूपी वॉरियर्स की टीम है ना, ये पूरी की पूरी टीम ही आधी अधूरी कहानी सी नजर आ रही है, क्योंकि कुछ बल्लेबाज कुछ गेंदबाज बढ़िया कर रहे हैं बाकी कुछ बल्लेबाज कुछ गेंदबाज बढ़िया नहीं कर पा रहे। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे आरसीबी वुमेन्स की बात करें, तो स्टार से सजी टीम, खास करके बल्लेबाजी लाइनअप में स्मृति मंदना और सोफी डिवाइन, ये दोनों ओपन करने आती है। स्मृति मंदना की बात करते, पहले मैच में 35 की पारी खेली थी एंड दूसरे मैच में 23 की पारी खेली थी, मतलब दो मैच में इन्होंने 58 रन बना लिए थे, उसके बाद अगले तीन मैच में सिर्फ 30 रन बनाए। मतलब जो स्मृति मंदना इंडिया की सबसे स्टार बल्लेबाज है, अभी वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती नजर आ रही। सोफी डिवाइन की बात करें, बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है, लगातार सभी मैचों में रन बना रही है, लंबी पारी ना खेल पा रही लेकिन शुरुआत अच्छी दे रही है। एलिस पैरी की बात करते, एलिस पैरी ने संभाल के रखा, जो इनकी बची खुची इज्जत है ना वो एलिस पैरी ने संभाल के रखा है, क्योंकि सभी मैचों में ताबड़तोड़ और थोड़ा लंबी पारी खेल रही, जल्दी पवेलियन नहीं लौट रही है, ठीक ठाक बल्लेबाजी करे तो मतलब ऊपर के तीन बल्लेबाज सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मृति मंदना जिसमें से फॉर्म में नहीं है, सोफी डिवाइन और एलिस पैरी बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हैदर नाइट की बात करें, तो हैदर नाइट गेंदबाजी तो थोड़ी ठीक ठाक करी है लेकिन बल्लेबाजी में अभी भी स्ट्रगल कर रही है। ऋचा घोष की बात करें, इंडिया के लिए जब खेलती थी बहुत अच्छे से फिनिश करती थी लेकिन ऋचा घोष का भी बल्ला अभी तक नहीं चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो बल्लेबाजी लाइनअप में जो आरसीबी वुमेन्स की टीम है काफी ज्यादा कमाल के बैटर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो एलिस पैरी और सोफी डिवाइन ही बढ़िया करें, स्मृति मंदना भी अपनी ना चल रही है, ऋचा घोष भी ना चल रही है, हैदर नाइट जो कि इंग्लैंड के कप्तान है वो भी बढ़िया बल्लेबाजी ना कर पा रही। बाकी हम यहाँ पे गेंदबाजी की बात करें, तो गेंदबाजी ने इनको ऐसा डुबाया है ना, वो कहते हैं कि मतलब इतनी ज्यादा महंगी, मतलब इनको इनके सामने कोई भी टीम आती है 200 रन मार के चली जाती है, कोई भी टारगेट बनाते हैं 15 ओवर में चेज करवाते हैं, इतनी गंदी इनकी गेंदबाजी चल रही। मेगन सूट की बात करें, काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है जो ऑस्ट्रेलिया से आती है फिर भी बढ़िया गेंदबाजी ना कर पाई। श्रियांका पाटिल की बात करें, बढ़िया ऑलराउंडर्स हैं लेकिन ना तो बल्ले से चल रही ना तो गेंदबाजी बढ़िया कर पा रही। प्रीति बोस की बात करें, डोमेस्टिक में बहुत अच्छी गेंदबाजी करके आई थी, यहां की बात करते सभी मैचों में विकेट तो एक आता मिल जा रहा है लेकिन काफी ज्यादा महंगी साबित हो रही। दिशा कसाद की बात करें, तो दिशा कसाद की भी वही कहानी, ना तो बल्ले से कुछ कर पा रही ना तो गेंद से कुछ कर पा रही है। अगर हम यहाँ पे रेणुका सिंह की बात करें, तो इतनी एक्सपीरियंस गेंदबाज जो इंडिया टीम के लिए खेलती है लेकिन आरसीबी के लिए कुछ खास ना कर पा रही। आशा शोभना की बात करें, इन्होंने भी डोमेस्टिक में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी लेकिन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बहुत ज्यादा पिटती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है। अगर हम यहाँ पे आरसीबी की बल्लेबाजी की बात करें, तो कुछ बल्लेबाज बढ़िया कर रही है कुछ बल्लेबाज बढ़िया ना कर पा रही, लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो कोई भी गेंदबाज बढ़िया ना कर पा रहा, सभी गेंदबाज महंगी हो रही है। इनको तो ना विकेट मिल रहा ना तो रन रोक पाती, इसलिए आरसीबी ने जो पांच मैच खेले पांचों के पांचों मैच हार गए, एक भी मैच नहीं जीता। अगर हम यहाँ पे इस हिसाब से दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, तो जो यूपी वॉरियर्स की टीम है ना वो आरसीबी वुमेन्स से काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। तो आज के मैच में क्या होगा, एनालिसिस तो हमने कर डाली, चलो अभी वो जान लेते कौन सी टीम जो ये मैच होगा उसे करेगी अपने नाम। लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना, क्यों बनता है, क्योंकि आपको पता है मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना
अपना भाई। सोचो अपने भाई का सपोर्ट अगर आप ना करेंगे तो कोई बाहर से आएगा भाई का सपोर्ट करने के लिए? ना जी ना, कोई भी ना आएगा। वो करना क्या भाई, सब कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियमानुसार अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है ना वो 30 और 70 का है, 30 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन एंड 70 यूपी वैरियर्स। तो अगर आप यहाँ पे चाहें जो मजबूती में यूपी वैरियर्स उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मैच है ना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन्स अपने नाम पे कर सकती है। देखो भाई लोग, इसमें काफी ज्यादा रिस्क है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो मैच है ना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन्स अपने नाम पे कर सकती है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी ना वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, और जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया वो काफी फायदे में, काफी ज्यादा मजे में। अगर आपको भी सभी मैचों में रहना है फायदे में तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डाले। बस एक ही चीज का ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, फेक से बचना है, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिया गया है, इसलिए इधर उधर और कहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।